हाँ जी किसान भाइयों, विश्वकर्मा दुर्लभ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पनेसर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बठिंडा चौक बठिंडा रोड हंडाया पंजाब में। और दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा पनेसर हार्वेस्टर कंबाइन। और दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी और ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको जो मिनी कंबाइन दिखाने वाला हूँ वो और हार्वेस्टर कंबाइनों के मुकाबले बिल्कुल हटके है। और वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना दोस्तों। स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा कटर के बारे में, जो आप कटर देख रहे हो ये 10 फीट का कटर दिया गया है कंपनी में। आप देख सकते हो इसका जो कटर का साइज है वो 10 फीट का है, और जो इसका थ्रेशर का साइज है वो 36 इंच का इसका थ्रेशर का साइज है। और बाकी आप कटर देख सकते हो पूरा अच्छा और बढ़िया कटर इसमें दिया गया है कंपनी द्वारा। अच्छी और बढ़िया कंपनी की हाउसिंग तैयार करवाई हुई, बेल क्रैंक डाली गई है, बड़े एंड डाले गए हैं इसमें, हैवी ड्यूटी डंडे लगे हुए हैं। और बेल्ट के रील के चक्कर कम ज़्यादा करने हो तो वो भी हम कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि इसमें जो कटर के नीचे जो सीट लगी हुई है वो स्टील की सीट लगी हुई है। इसकी कसाई है जो वो नहीं होगी, और उसके बाद फीडर की जो नीचे सीट लगी हुई है वो भी ऐसे स्टील की सीट का प्रयोग किया गया है। आप फीडर देख सकते हो अच्छा और बढ़िया फीडर इसमें दिया गया है, फीडर के अच्छे और बढ़िया जैक दिए गए इसमें हमें। और उसके बाद आप सीढ़ी देख सकते हो ऊपर चढ़ने के लिए बहुत अच्छी सीढ़ी दी गई है। और दोस्तों इसके इंजन की बात करें तो इसमें हमें 76 हॉर्स पावर का इंजन इसमें हमें मिलने वाला है। और किसान भाई को ऊपर चढ़ने के लिए इंजन की तरफ जाने के लिए भी ऊपर आप देख सकते हो पैर रखने के लिए रास्ता दिया गया है। ऊपर से देख सकते हो ऊपर पैर रखकर किसान भाई ऊपर जा सकता है। बाकी आप उगर देख सकते हो, उगर की सेटिंग आप कहीं भी अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा देख सकते हो। बाकी आपको ऊपर चढ़कर दिखा लूँ कैसे लग रही है दोस्तों। जैसे दोस्तों बड़ी इनकी सेल्फ कंबाइन है वैसे ही इनकी जो मिनी कंबाइन आपको वैसी ही बनाई गई है वैसी तकनीक से। और आप देख सकते हो अच्छा और बढ़िया इसमें ग्रैंड टैंक दिया गया है, लाइटें दी गई हैं, और ऊपर चढ़ने के लिए बहुत अच्छा रास्ता यहाँ से। बाकी इंजन देख सकते हो इसमें 76 हॉर्स पावर का इंजन है अशोक लेलैंड का। और अगर किसान भाई ने स्टार वॉकर का काम करना हो तो ऊपर से आराम से स्टार वॉकर का काम कर सकता है। उसके बाद आप सीट देख सकते हो, इसमें जो सीट दी गई है एडजस्टेबल सीट दी गई है, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम सीट को। बाकी बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल मशीन है यार, देख सकते हो जैसे लग्जरी गाड़ी में होता है वैसे सिस्टम हमें देगा, पासिंग वाला सिस्टम दिया गया इसमें। बाकी जितने भी लीवर हैं अरे इसके रील के कटर के गियर के वो सभी हमें पास में मिल जाएंगे। और चार गियर वाली भी जी मशीन है दोस्तों, 3+1 4, एक रिवर्स वाला। और उसके बाद इंजन स्टार्ट का मिल जाएगा यहाँ पे, और इंजन स्टॉप का यहाँ पे मिल जाएगा हमें। बाकी लाइटों की अच्छी बढ़िया सूची लगी हुई हैं, मीटर मिल जाते हैं अच्छे बढ़िया, और बड़े शीशे लगे हुए हैं इस पर, और अच्छी और बढ़िया उसमें ऊपर छतरी जो दी गई है रूल मिल जाता है दोस्तों हमें, आप देख सकते हो। और उगर का, फ्लैट का, बास्कट का, कटर का हमें जो डंडा है वो मिल जाता है। बड़ी मशीनों वाले सभी ऑप्शन हमें इस मिनी कंबाइन में मिलने वाले हैं, मिनी 410 में, जो कि पनेसर SC 410 देख सकते हो सेल्फ कंबाइन है जो मिनी है दोस्तों, बहुत अच्छी बनी हुई है बहुत बढ़िया। और दोस्तों नीचे आके दिखा रहा हूँ कैसी लग रही है। उसके बाद मैं टायरों की बात करें तो इसमें JK टायर लगे हुए हैं 16/9/28 के, जिसको हम ट्रैक्टर टायर भी कह सकते हैं। बाकी आपको खोल कर दिखाता हूँ, बहुत अच्छा दिया गया यहाँ पे सिस्टम। चेंजर भी है दोस्तों इसमें, काफ़ी बड़ा चेंजर मिलेगा हमें, वही बड़ी कंबाइन वाले ऑप्शन सभी इसमें, जितनी भी पुलियाँ लगी हुई हैं साफ्टें लगी हुई हैं सभी बड़ी कंबाइन वाली मिलने वाली है दोस्तों इसमें हमें, ठीक है। चेंजर जीरो बैलेंस वाला चेंजर लग गया, अच्छा और बढ़िया जैक दिया गया इसमें, बड़ी अच्छी बेल्टें लगी हुई हैं आप देख सकते हो, और बड़ी साफ्टें लगी हुई हैं 10 नंबर की, बड़ी थ्रेशर वाली होगी आप देख सकते हो। और एक बात मैं आपको और दिखाना चाहूँगा भी, इसका जो बेड देख सकते हो आप कितना ऊंचा इसका बेड दिया गया है, ज़मीन से काफ़ी ऊपर इसका बेड है भी, किसी तरह जे
हार्वेस्टर का मैन है वो किसी तरह नीचे किसी किसी टकराएगी पत्थरों पे, नहीं टकराएगी क्योंकि जो महाराष्ट्र कर्नाटक साइड होगा, कर्नाटका साइड वहाँ पत्थर बहुत होते हैं, हार्वेस्टर का मैन को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है जी। ऐसी आपको इसमें आपको पनेसर ऐसी 410 में कोई किसान भाई को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और टूल मिल जाता है दोस्तों, अच्छी और बढ़िया कंपनी की बैटरी दी गई है इसमें एक साइड की, और बाकी बढ़िया इसमें हिस्सा डाला गया पीछे, और इसमें सीफें दी गई हैं वो 60 और 25 से दी गई हैं, पीछे पटा लगा हुआ है, दोनों साइड पटा दिया गया है देख सकते हो, इस साइड भी पटा लगा भी किसी तरह वेस्ट है जो नीचे और नीचे साइड पर ना गिरे। बाकी कस्टमर SMS है जो अगर लगाना चाहे तो यहाँ पे आप बड़ी कंबाइन पे भी SMS लगा सकते हो, इनके बड़ी कंबाइन का रिव्यू क्या था उस पर भी आप SMS लगवा सकते हो, वो कस्टमर की चॉइस है। और डीजल टैंक देख सकते हो दोस्तों, इसमें बड़ा डीजल टैंक दिया गया है इसमें बड़ी कंबाइन वाला, और एयर टैंक मिल जाता है हार्वेस्टर कंबाइन को साफ और अच्छा साफ सुथरा रखने के लिए, ठीक है। और एलिवेटर देख सकते हो दोस्तों, इसमें बढ़िया एलिवेटर दिए गए हैं, ठीक है। किसी तरह एलिवेटर की जो नीचे सीट लगी हुई है दोस्तों, सारी स्टील की सीट का प्रयोग किया गया है, और आपको खोल कर दिखाता हूँ इस साइड, दोस्तों आप देख सकते हो एटल दिए गए हैं बेल्टों को टाइट रखने के लिए, ठीक है जी। मिनी कंबाइन है और अच्छा और बढ़िया फैन लगा हुआ है इस पर, और नीचे आपको दिखाता हूँ, नीचे देख सकते हो दोस्तों मास्टर सिलेंडर दिए गए हैं इस पर, डिस्क ब्रेक देख सकते हो इसमें, और गियर है इसमें 3+1 4 वाला गियर दिया गया है इसमें, जो गियर हमें बड़ी कंबाइन में मिलेगा वही गियर हमें छोटी मिनी SC 510 में मिलेगा। और कटर की सेटिंग देख सकते हो, कटर को ऊपर नीचे कर सकते हो आगे पीछे, ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हो जो हार्वेस्टर कंबाइन है, अच्छी और बड़ी लाइटें दी गई हैं इसमें, लाइटें देख सकते हो बहुत अच्छी इसमें हमें लाइटें मिल जाएंगी, ऊपर भी लाइटें मिल जाएंगी बहुत अच्छी और बढ़िया लाइटें दी गई हैं, और इसमें बढ़िया बुश दिए गए हैं आप देख सकते हो, इसमें बुश दिए गए हैं, अभी जो रील का पैप है वो कभी ख़राब नहीं होगा दोस्तों। अगर आप भी पनेसर वालों की SC 410 हार्वेस्टर कंबाइन लेना चाहते हो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इनसे संपर्क कर पनेसर SC 410 हार्वेस्टर कंबाइन जो मिनी कंबाइन है वो आप ले सकते हो। किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और नई आ रही मशीनों की जानकारी के लिए विश्वकर्मा दलबा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।